स्मूथ शाइनी बाल किसको पसंद नहीं है। ड्राई हेयर है तो मॉइस्चराइज हेयर चाहिए, ऑयली हेयर है तो बहुत शाइनी हेयर चाहिए। यही बात आपकी भी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू चैनल, दिस साइड योर ममता। सो यार, कैसे आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे एंड लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप सबने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो किस पर होने वाली है। आज की पूरी वीडियो होने वाली है रिव्यू अबाउट अ प्रोडक्ट जो कि काफी ज्यादा नोन है, हर कोई इसे बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी हो। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसका प्रोडक्ट रिव्यू आपके साथ कर दिया जाए एंड इसका हाइप तोड़ दिया जाए कि ये वर्थ हाइप है या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट अ वीडियो। लेकिन वीडियो में मूव ऑन करने से पहले अगर अभी चैनल पे नहीं हो देन प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर देना, The red menu look, it would really mean a lot to me. आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये है ट्रेसेमे का केराटिन स्मूथ शैम्पू। एज यू कैन सी, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 4 rupees फॉर द क्वांटिटी ऑफ 8.5 ml। मतलब आप कह सकते हो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में आता है। पैकेजिंग की बात करें तो आपको सैचेट टाइप के पैकेज में मिल जाता है विद ब्लैक, रेड एंड येलोइश कलर, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसमें अलग अलग कलर में अलग अलग चीजें लिखी है फॉर दैट हाईलाइटिंग लुक। ये उनका केराटिन स्मूथ शैम्पू है जिसमें आपको केराटिन प्लस आर्गन ऑयल दोनों मिलता है। केराटिन आपके हेयर को स्मूथ करने में, शाइनी करने में एंड लस्ट्रस करने में हेल्प करता है, वाइल जो आर्गन ऑयल है वो आपके हेयर को मॉइस्चराइज करने में, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में एंड आपके डैंड्रफ को रोकने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्प्रेडेंट्स के इश्यूज है तो आर्गन ऑयल बहुत अच्छा आपके हेयर को मॉइस्चराइज करेगा एंड केराटिन उसे रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ड्राई हेयर वालों को स्प्रेडेंट्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है या आप कह सकते हो ऑयली स्किन वालों को भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये शैम्पू क्लेम करता है कि ये आपके स्प्लिटेंट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा एंड आपके हेयर को स्मूथ शाइनी बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन हम ये आगे देखते हैं कि ये सच में काम करता है या नहीं। ठीक है, सामने आपको लिखा मिल जाता है प्रो सीरीज ट्रेसेमे यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स केराटिन स्मूथ शैम्पू विद केराटिन एंड आर्गन ऑयल, ग्रेट स्ट्रेटर एंड 100% स्मूथर हेयर। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है, ये इनका क्लेम है करना। ठीक है, अगर इसमें बात करते हैं, इसमें आपको कोई पैराबेन कोई सल्फेट नहीं मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये इनका जो पीछे क्या लिखा है हम उस बारे में बात करते हैं। तो इनका जो केराटिन स्मूथ शैम्पू है वो इन्फ्यूज किया गया है विद केराटिन एंड लाइट वेट आर्गन ऑयल। ठीक है, एंड ये आपके हेयर को नरिश करने में हेल्प करेगा, फ्रीज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा 3 दिन तक। ड्यूअल एक्शन है तो आपके हेयर को बहुत ज्यादा स्मूथ प्लस शाइनी बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, हाउ टू यूज एंड हाउ टू नॉट, सबको पता है कि शैम्पू को कैसे यूज करना है, इसे आप डाइल्यूट करके यूज करना फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, हाउ टू यूज वाला सीन इसमें है। शेल्फ लाइफ की बात करें तो शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 2 साल तक इस प्रोडक्ट को आप आराम से यूज कर सकते हो। सैचेट टाइप की पैकेजिंग में आपको मिल जाता है तो इजीली अपने बैग में कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। अब करते हैं इसे ओपन, तो ओपन ही इजीली हो जाता है, आपको सीजर की जरूरत नहीं है अलग से कि भाई सीजर लाओ काटना है, ऐसा कुछ नहीं है, इजीली ओपन हो जाता है। अगर ये शैम्पू की बात करें तो ये शैम्पू आपको एकदम लाइटिश मूवी कलर का मिलेगा आपको, और ये आपको एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का मिलेगा। एज यू कैन सी बहुत ज्यादा फ्लोई है, बहुत ज्यादा फ्लोई है। फ्रेग्रेंस की बात करें तो फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है, लिटरली बहुत अमेजिंग है। अब बात करते हैं कि आपके हेयर को बहुत अच्छे से क्लींस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे रिव्यू का, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी यूज करा है। गाइस कैन यू सी, मैं इसके 3-4 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ला चुकी हूँ मेरे बालों पे लगाने के लिए, यूज करने के लिए। अभी मेरे जो हेयर है ना वो लो पोरोसिटी की तरफ जाते हैं, लो पोरोसिटी है जहां पे मेरे हेयर मॉइस्चराइज भी नहीं होते हैं, अच्छे से वॉश भी नहीं हो पाते हैं एंड काफी ज्यादा उसके जो प्रोडक्ट है वो बिल्डअप हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये वाला शैम्पू यूज करने का ट्राई किया एंड बॉस कैन यू इमेजिन, इस शैम्पू ने लिटरली मेरे हेयर में से जो गंदगी है उसे रिमूव कर दिया, मेरे हेयर को बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया था, लिटरली बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया था। एंड अगर बात करें तो ये मेरे हेयर को काफी ज्यादा शाइनी भी बना दिया था। विदाउट सीरम मेरे बाल इजीली डिटेंगल हो गए थे, कैन यू इमेजिन, एंड नो हेयर फॉल। एंड जो इनका जो क्लेमेशन है ना कि 3 दिन आपके बालों को स्मूथ शाइनी बनाने में हेल्प करता है, मैं अगर बात करूं तो 3 दिन से ज्यादा इसने मेरे बालों को स्मूथ शाइनी रखा। टॉकिंग अबाउट, मेरे हेयर छोटे से हैं शायद इसलिए इसने ज्यादा दिन तक मेरे हेयर को स्मूथ शाइनी रखने में हेल्प किया, अगर आपके बड़े हैं तो शायद 3 दिन तक ये बहुत आराम से चल जाएगा। अब बेस्ट प्रोडक्ट अंडर बजट फॉर ऑल हेयर टाइप्स, मेरे लो पेरिसिटी की तरफ जाते हैं इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ, क्योंकि लाइट वेट है यार, लाइट वेट अगर आप चीजें यूज करो तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो या इट इज अ मस्ट ट्राई। अब मस्ट ट्राई प्रोडक्ट अंडर बजट, मैंने तो इसे लोकल मार्केट शॉप से लिया था, आप चाहो तो इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, बड़ा वाला पैकेजिंग इनका बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, क्योंकि जो 8.5 ml वाला वो 4 rupees के लिए आता है, तो उनका बड़ा वाला तो इमेजिन ही कर सकते हो कि कितने का आएगा। बाय करना होगा तो फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड गाइस, इसका नहीं मैंने एक पीएच टेस्ट भी करके रखा है जिसको मैं लिंक नीचे कर दूंगी फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये अच्छा काम करता है या नहीं। सो आज की वीडियो तो बस ये तक थी, मैं मिलती नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।